हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक नया फिक्सेटिव के बारे में बताऊंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, हमारे जो कैमल का जो फिक्सेटिव है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक नया फिक्सेटिव लाया हूँ। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस ओनली है 200। इसका मैंने ऑनलाइन भी शॉपिंग का जो प्राइस है देखा, लेकिन वहाँ पर प्राइस है 250। तो मैंने इसे ऑफलाइन से बाय किया। एंड इसका जो ब्रांड है क्यूलेक्स, तो एक चाइनीज़ ब्रांड है। तो मैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स पढ़ कर दिखा देती हूँ। तो आपको तो पहले से आपको पता है कि फिक्सेटिव यूज़ करने के पहले आपको इसे अच्छे से शेक करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही लिखा है। एंड देन लिखा है कि इसको हम फिक्सेटिव क्या करते हैं, अगर ये पेज है तो पेज का बहुत पास से स्प्रे करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसको हमें 20 या 30 सेमी डिस्टेंस से, यानी कि एक स्केल का जो साइज है उतना डिस्टेंस से इसको हमें स्प्रे करना चाहिए। तो यही खास है। एंड यहाँ पर है 180 ml का। तो मैंने तो इस्तेमाल किया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी इस्तेमाल करो। एंड मैं इसका इस्तेमाल एक वीडियो पे आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने जो टाइगर वाली जो पेंटिंग थी आप तो उसका ही देखा, उसके ऊपर स्प्रे करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलो देखते हैं। तो गाइस, मेरा फिक्सेटिव आपने तो देख ही लिया कि मैंने किस तरह से इसका स्प्रे करके इसका इस्तेमाल किया। तो आप भी सेम प्रोसेस से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मैं आपको कहूँगी, तो अगर आप फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हो तो कैमल के साथ साथ आप इसका भी इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया। तो ये मैंने चारकोल एंड सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर इसको स्प्रे किया, तो दोनों में रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला मुझको। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो आप इसे परचेस करो। बहुत छोटा है लेकिन इसमें 180 ml का है, बहुत ही अच्छा है। एंड मैं आपको कहूँगी कि खुद से दूर रखो, यानी कि अगर आप फिक्सेटिव जब भी यूज़ करते हो तो मास्क पहनना अवश्य मत भूलना। एंड और एक बात, इसको आग से बहुत ही दूर रखना, क्योंकि आपको तो पता है कि फिक्सेटिव में अगर आग लग जाएगी तो ब्लास्ट कर जाएगी। तो यही कुछ बात है फिक्सेटिव के लिए, तो कुछ खास बात नहीं है। तो फिक्सेटिव क्या है इसका इस्तेमाल सभी जानते हैं, लेकिन वो था कैमल की। अच्छी वीडियो में मैं आपको एक नया फिक्सेटिव दिखाया, तो मैंने आपको पास से दिखा देती हूँ, ये रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद है तो ज़रूर लाइक कर देना एंड शेयर करने में मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।